द इडिवल पार्ट ऑफ मैंगो इज जो पार्ट आम के फल में खाने का भाग है मधु फल ईटी एल आई टेस्ट शुड बी डन इन केस ऑफ एच आई वी एड्स इनमें से किस रोग हेतु तो एलाइसा जाँच करनी चाहिए एच आई वी एड्स के लिए माइटोसिस टेक प्लेस इन वेजिटेटिव सेल्स समसूत्री विभाजन होता है काई कोशिका में पॉलिनेटेड फ्लावर हवा के द्वारा प्रागित होने वाले फूलों को कहते हैं वायु वायुित डेंगू इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो इनमें से इनके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है मच्छर रेप्लिकेशन इज रिलेटेड टू डीएनए रेप्लिकेशन इनमें से किसके संबंधित है डीएनए मेंडल इज मेनली नॉन फॉर हिज वर्क ऑन पी प्लांट लॉ ऑफ इंटेलिजेंस बहुत मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्त जाने जाते हैं अपने मटर के पौधों के कार्य हेतु तो, अनुवंशिक के नियमों हेतु तो, दोनों के लिए इन स्पेस क्राफ्ट विच ऑफ द फ्लाइंग इज मेनली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एलगी अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यक इनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पाद हेतु किया जाता है सैवाल ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया डिफर इन द एंड नेचर ऑफ देश सेलवाल ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में भिन्नता पाई जाती है उनके कोशिका भित्ति में फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द कट इंड ऑफ डी एन ए द इज लाइगेज like डीएनए के कटे भागों को जोड़ने हेतु तो इनमें से किनका प्रयोग किया जाता है लाइगेज like का product, इन विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इंसुलिन इनमें से कौन सा पहला कृत्रिम रूप से बना जैविक पदार्थ है इंसुलिन द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन लिमिटेड एरिया आर नोन एज एंडेमिक भूभाग में ही पाए जाने वाले जीवों को किस संज्ञा से जाना जाता है एंड ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज इरेक्ट पिरामिड ऑफ मास पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ एनर्जी में से कौन सा परिस्थिति पिरामिड हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का ओजोन लेयर इज मेनली डिस्ट्रॉयड बाय सीएफसी ओजोन परत का छह इनमें से किसके कारण होता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन द मोस्ट टॉक्सिक अमंग द फ्लोइंग इज कार्बन मोनोऑक्साइड इनमें से सर्वाधिक हानिकारक कौन सी गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड इन आवर नेशन द फर्स्ट नेशनल पार्क इज कॉर्बेट इनमें से कौन अपने देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज पार्थेनोकार्पिक बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक द सर्जिकल मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल इज ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी दोनों इनमें से कौन जनदर नियंत्रण की शैली विधि है ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी दोनों होमोलोगस ऑर्गेन ऑफ क्लाइटोरिस इज पेनिस इनमें से कौन क्लाइटोरिस का समझात अंग है लिंग इफ ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ये बी एंड डेट ऑफ मदर इज बी द चांस ऑफ चाइल्ड ब्लड ग्रुप ओ इज जीरो परसेंट यदि पिता का रक्त वर्गी है और माता का भी है तो उनके संतान के रक्त वर्ग जीरो होने की संभावना है जीरो परसेंट इफ ए कपल है्री डॉटर द दे आर प्लानिंग फॉर फोर्थ वन हैज गेट एस ऑन द चान्स फिफ्टी परसेंट एक की पहले से तीन पुत्रियाँ हैं वो अब चौथे संतान की सोच रही है इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी फिफ्टी परसेंट क्योंकि XX सेक्स फीमेल और XY सौ मेल इसमें गर्ल है और XY सौ बॉयज है तो फिफ्टी परसेंट चांस होगा लड़का होने का क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिन क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है पैकेटिन ये वायरस पोजिटिव इन आइडर कोर या तो डीएनए या फिर आइदर ऑफ देम वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है डीएनए आइडने दोनों में से कोई एक इन केस � वार्मिंग फॉर्म अपेंडिक्स इज ए एस्टिजियल ऑर्गेन हम लोगों में वार्मिंग फॉर्म अपेंडिक्स का संघ है से अंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में भी पेस्ट रेसिस्टेंट ड्रग रेसिटेंट दोनों जैविक रूपांतरित जीव हो सकते हैं रोगाणु प्रतिरोधक सूखा प्रतिरोधक दोनों नेचुरल मेथड और पॉपुलेशन कंट्रोल दोनों इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय है शिकार पराजीवी दोनों मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेन बाई प्रोड्यूसर इनमें से कौन सा ऊर्जा प्राप्त करता है उत्पादक इसमें टेन परसेंट इनर्जी फ्लोरूल लगेगा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर में कम कंज्यूमर तो सबसे कम टॉप कंज्यूमर में होगा इन इंटरनल

ट्रांसवर्सन एथिनियम की जगह एक साइटोसिन के आने को कहते हैं ट्रांसवर्सन जाके फ्रेगनेट आर रिलेटेडितरस इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है मिक्सो वायरस फॉरेस्ट स्टेज रिप्रेजेंट विच स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन क्लाइमेक्स वन अवस्था इनमें से किस परिस्थितिक अवस्था का द्योतक है चरम अवस्था इंसनेटर शुड बी यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स इंसिनरेटर का प्रयोग किस प्रकार के अविष्ट निस्तारण हेतु करना चाहिए अस्पताल के लिए आर्क्योप्टेरिक्स इज कंसिडर्ड एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स रिलेटेड टू लैंड एंड एयर्स इनमें से किस दोनों विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बीच आर्क्योपेस एक योजक कड़ी है भूमि एवं वायु